दुबई में यूएई में रियलमी ने नॉच कर दिया है उनका C35 एंट्री लेवल में एकदम सेक्सी डिवाइस लॉन्च कर दिया है, मैं ये कहूँगा। आप आगे देखने वाले हो, डिज़ाइन मुझे इसका बहुत पसंद है, इसका हाईलाइट फीचर भी इसका डिज़ाइन है। एंट्री लेवल में हमें इतना डिज़ाइन वाले फ़ोन नहीं देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पर वही स्पेशलिटी रियलमी C35 लेके आया है दुबई में यूएई में। क्या प्राइस रखेगी है उसकी बात तो करेंगे, कुछ फीचर और की बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो जनता या लाइक तो बनता, लाल काला क्यों नहीं करते, लाल को काला बनता करते एक्सप्लोर C35 को। ये है दोस्तों बॉक्स यहाँ पर एशियन टेलीकॉम का, और ये एक ऑथराइज्ड सेलर है दुबई में यूएई में। एंड रैपर को रिमूव करते हैं, रैपर के अंदर एक और रैपर, टेन। वेलकम, हे वेलकम टू रियल मी फैमिली। मैं सबसे पहले डिज़ाइन आप लोगों को दिखाने के लिए बेकार रहा, मुझे इसका डिज़ाइन जो है वो एंट्री लेवल के हिसाब से वाओ। अभी तक मैंने पन्नी भी नहीं उतारी और आई लविंग इट। एंट्री लेवल के हिसाब से क्या बात है, क्या तो बात है, शाइनिंग शाइनिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक फीचर दोस्तों जो इसका हाईलाइट है वो, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इसका डिज़ाइन जो है वो आपको कहीं पर भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन का नहीं लगता है। बहुत ही प्रीमियम ये यहाँ पर डिज़ाइनर लुक दिया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, हल्का सा वाइब आया 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 अभी आया, और यह रियलमी का लोगो। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं की गई, 18 वॉट का अडेप्टर टाइप ए वाला आपको मिलता है। एंड दोस्तों एक नॉर्मल सी यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी की केबल है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर केस वगैरह तो नहीं मिलने वाला है, सिंपल है, पेपर वर्क है, नो केस। तो यही था कुछ बॉक्स कंटेंट, सब चीज़ों को साइड में कर देते हैं। बाय द वे दोस्तों, आपको बॉक्स का ओवरव्यू देना तो मैं भूल गया, 6 GB की रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज, ग्लोइंग ग्रीन कलर, और बैक साइड में यहाँ पर कुछ फीचर्स को भी लिखा गया है। 50 MP का यहाँ पर ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 8.1 mm अल्ट्रा स्लिम, 5000 की मैसिव बैटरी, और यहाँ पर एक Full HD फुल स्क्रीन देखने को मिलती है। तो यही था बॉक्स का ओवरव्यू। आगे है दोस्तों हम इसकी होम स्क्रीन में। सबसे पहले चीज बेजल, जी हाँ बेजल तो दिखाई दे रहे हैं नीचे की साइड में। एंड ऊपर हमको पंच होल नहीं मिलती है, यहाँ पर नॉच है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो अच्छी बात यह है कि ये ड्यूल बैंड के साथ आता है, यानी कि 5G नेटवर्क आप वाईफाई में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मिड रेंज बजट में ये चीज़ को कभी कभी गायब कर दिया जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सिम ट्रे है। इस साइड में दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का बटन साइड में दिया गया है, पावर ऑन का बटन साइड में, ऊपर साइड कुछ नहीं। नीचे की साइड हेडफोन जैक दिया जाता है, टाइप सी कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल, 2 माइक्रोफोन है यहाँ पर। अब बैक साइड में दोस्तों है तो ये ग्लॉसी फिनिश, प्रीमियम बिल्कुल दिखता है ये, लेकिन ये मैं कहूँगा है पॉलीकार्बोनेट बैक साइड में। तो यहाँ पर कैमरा का लेआउट कुछ हमको ऐसे देखने को मिलता है। अब दोस्तों कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आपकी स्क्रीन में यहाँ पर आ चुकी होगी। इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया जाता है वो यूनिसॉक टाइगर T616 का दिया जाता है। 5000 mAh की बैटरी है, 6.6 इंच की ये Full HD डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर दी जाती है, Full HD इस प्राइसिंग में, ये अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों IPS LCD है ये। एंड कैमरे दोस्तों यहाँ पर 50 MP, 2 MP, और जो तीसरा कैमरा है दोस्तों वो 0.3 MP का है। एंड यहाँ पर जो सेल्फी है दोस्तों वो यहाँ पर मिलती है हमको 8 MP की। मैं आपको कह दूँ बार बार, ये डिवाइस उन कैटेगरी के लोगों के लिए बना गया है जो कि एक प्रीमियम लुकिंग डिवाइस, नाइस डिज़ाइन वाले डिवाइस जो यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए है। YouTube की वीडियो दोस्तों आप यहां पर Full HD तक प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले भी इसका Full HD ही है। कुछ क्वालिटी देख लेते हैं हम यहां पर। जी हाँ, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका डिज़ाइन तो इसकी मेन फीचर ही है। तो ये दो फीचर अगर आपको बजट में दुबई में चाहिए, अच्छा डिस्प्ले हो,
अच्छा डिजाइन हो और 5G हर्ट नेटवर्क का वाईफाई भी हो तो ये डिवाइस दोस्तों आपके लिए है। गेमिंग करते आप हेवी गेमिंग करते हैं, छोटी बोट गेमिंग तो चला देगा, अगर आप हेवी गेमिंग करते तो ऑफकोर्स ये आपके लिए नहीं है। ये एक तरह से दुबई में एंट्री लेवल ही दोस्तों 500 दिरहम के आसपास शुरू होता है, तो इसकी कीमत भी मेरे ख्याल में कुछ 600 650 दिरहम है। एग्जैक्टली मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ठीक है, उस प्राइसिंग में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए दी जाती हैं। साउंड दोस्तों बिल्कुल भी लो नहीं है, साउंड यहाँ पर आपको एक सही मिल जाता है, एक लाउड मिल जाता है। अब दोस्तों वेट, डिवाइस इतना वेट नहीं लगा मुझे, देखिए 200 ग्राम से भी नीचे है 195, तो डिवाइस वेट के हिसाब से भी यहाँ पर बाजी मार चुका है। सिम ट्रे की दोस्तों बात करें तो ये हाइब्रिड नहीं है, डेडिकेटेड है। तीनों चीजें मेमोरी कार्ड प्लस 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में है। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा डिले, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा डिले हुए, बाकी ठीक है। फेस अनलॉक, मैं हूँ बिल्कुल सामने। ओके, फेस अनलॉक मैं कहूँगा फास्ट था, जी हाँ फेस अनलॉक मुझे थोड़ा फास्ट लगा है यहाँ पर। दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। दोस्तों अगर इसका 3GB 64GB वाला लॉन्च नहीं हुआ है, अगर होता तो उसकी प्राइस 400 दिरहम से भी कम होती। अगर दोस्तों 4GB 64GB वाला वेरिएंट लॉन्च होता तो वो 450 के आसपास होता, लेकिन ये सब मॉडल दुबई में लॉन्च नहीं हुआ है ऑफिशियली। सिर्फ 6GB 128GB एकदम टॉप हायर वेरियंट तो 650 दिरहम का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर इसका 4GB 128GB अगर ऑफिशियली लॉन्च होता तो वो भी 550 से भी कम होता, तो ये एक एंट्री लेवल प्राइस होती है दुबई में। उसमें ये डिज़ाइन और थोड़ा बहुत डिस्प्ले ये सब ठीक है। यहाँ पर आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता लाइक टू वन ता लाल कॉल बनता।